गाइस इस वीडियो में बात करने वाले हैं साउथ एशियन गेम्स 2019 जो कि अभी खत्म हो चुका है उसकी अवार्ड सेरेमनी के बारे में, कौन रहा है बेस्ट रेडर, कौन रहा है बेस्ट डिफेंडर, बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा है, गोल्ड मेडल किसके हाथ में गया है, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल किसके पास गया है, सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा इस वीडियो के अंदर। क्योंकि गाइस मुझे पता है कि ये लीक टेलीकास्ट नहीं हुआ, इसलिए आपको जो है इससे रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स होंगे, क्योंकि आप मुझे जो है डेली कमेंट्स भी इससे रिलेटेड करते थे। सो इस वीडियो में पूरी जानकारी लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। सो गाइस वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं बता चुका हूँ आपको बहुत ही शानदार एप्लीकेशन के बारे में। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय मेलबर्ट द बेटिंग वेबसाइट। गाइज इसके थ्रू उस पर जो है एक बहुत ही अच्छा आपको ऑफर देखने को मिलता है। गाइज अगर आप 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक आप जो है डेली 100 रुपये की मिनिमम बेट खेलते हैं, तो गाइज आपको जो है यहाँ पे BMW 3.5 लाख रुपये की बाइक जीतने का मौका मिल सकता है। गाइज बाकी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वेबसाइट को विजिट कीजिए। सो गाइज आप चलते हैं अपनी वीडियो के मेन टॉपिक पे और बात कर लेते हैं यहाँ पे बेस्ट रेडर की। सो बेस्ट रेडर का अवार्ड जो है यहाँ पे पवन कुमार शेरावत को ही गया है। जी हाँ, पवन कुमार शेरावत ने जो है 5 मैचेस खेले टोटल, जिसमें से उन्होंने जो है 3 मैचेस में यहाँ पे सुपर टेन लगाया, 63 पॉइंट्स जो है 5 मैचेस के अंदर हासिल करके जो है पवन कुमार शेरावत इस लीग के जो है बेस्ट रेडर यहाँ पे साबित हुए टूर्नामेंट के। उसके अंदर बात करें यहाँ पे बेस्ट डिफेंडर की, गाइस बेस्ट डिफेंडर यहाँ पे जो है प्रवेश भैसवाल रहे हैं पूरे के पूरे टूर्नामेंट के, जहाँ पे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 5 मैचेस के अंदर जो है 26 टैकल पॉइंट्स हासिल करे हैं। जी हाँ, उन्होंने यहाँ पे 2 हाई फाइव्स लगाए हैं, साथ ही साथ जो है डिफेंस के अंदर भी बहुत ज़्यादा है उन्होंने यहाँ पे अच्छा सपोर्ट दिया है, जहाँ पे हाई फाइव के साथ साथ उन्होंने हर मैच में जो है अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, जिसके बलबूते पे 5 मैचों में 26 पॉइंट्स यहाँ पे प्रवेश भैसवाल ने हासिल करे हैं। उसका नाम बात कर लेते हैं यहाँ पे बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की, तो गाइज यहाँ पे ये अवार्ड गया है दीपक निवास हुड्डा के हाथ में। गाइज दीपक निवास हुड्डा ने टोटल 5 मैचेस खेले, जिसमें उन्होंने 2 हाई फाइव लगाए, साथ ही साथ जो है 2 सुपर 10s भी लगाए। तो एज अ कैप्टन एज अ ऑलराउंडर बेस्ट परफॉर्मेंस दीपक निवास हुड्डा ने सीजन में मतलब इस टूर्नामेंट में दिखाई है। और गाइज दीपक निवास हुड्डा प्रबल दावेदार थे इस अवार्ड के, गाइज यहाँ पे जो है एज अ कैप्टन इतनी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पे देना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। उसके हम बात कर लें यहाँ पे बेस्ट टीम कौन सी रही है सीजन इस टूर्नामेंट की और गोल्ड मेडल किसको मिला है। सो गाइस बेस्ट टीम यहाँ पे इंडिया ही रही है, नो डाउट सबको ही पता होगा, लगातार 5 के 5 मैच इंडिया ने जीते हैं। गाइस इससे बड़ी बात कोई और हो नहीं सकती, अनबीटेबल रही है इस टूर्नामेंट के इंडिया। यहाँ पे हर टीम जो है किसी ना किसी से हार रही है, श्रीलंका भी 2 बार इंडिया से हार गई, बट उसके बावजूद भी इंडिया किसी भी टीम से नहीं आ रही है और गोल्ड मेडल इंडिया के हाथ में आया है, साथ ही साथ सिल्वर मेडल आया है यहाँ पे श्रीलंका के हाथ में और यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल मिला है पाकिस्तान को। सो गाइज ये पूरी की पूरी एक अवार्ड सेरेमनी है और गाइज ये जो डिटेल्स है मैंने बहुत ही मतलब यहाँ पे आपको किसी और साइड पे डिटेल्स जो है देखने को नहीं मिलेंगी, वहीं पे थोड़ी टाइम बाद हो सकता है आपको डिटेल्स आगे भी डिस्प्ले होने को मिल जाए। सो गाइज जल्दी से आप क्या कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ एप्लीकेशन को डाउनलोड करना ना भूले, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, दिसंबर तक ये ऑफर जो है वैलिड है, तो जल्दी से जाके उस एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिए। मैं तो क्षण में जय हिंद,